हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करना चाहते हैं तो कहां से शुरू कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ फ्रेंड्स, मैंने आपको आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड मैंने ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि सबसे पहले मैंने क्या ओपन कर रखा है। आप देखेंगे कि मैंने म्यूचुअल फंड का ओपन कर रखा है एंड डेट कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और डेट कैटेगरी को भी मैंने उसमें से लिक्विड फंड सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके लिए मैं कैसे आया, मैं आया मनी कंट्रोल पे, फिर परफॉर्मेंस ट्रैकर पे आया मैं एंड देन यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से देख सकते हैं म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस ट्रैकर लिक्विड फंड। ठीक है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी खूबी आप ये देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे कभी भी आपको निगेटिव पॉइंट नहीं दिखेगा। निगेटिव में मतलब कि यहाँ पे कभी भी लाल कलर का आपको साइन नहीं दिखने को मिलेगा। लाल कलर का वो साइन है जिससे हर निवेश करने वाला व्यक्ति दूर रहना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को निगेटिव में कभी देखना नहीं पसंद करता है फ्रेंड्स। चाहे मैं ही कोई क्यों ना हूँ या चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, ठीक है फ्रेंड्स, किसी को भी अपना पोर्टफोलियो रेड कलर में नहीं दिखने को बनता है। हाँ, यहाँ पे जो दिख रहा है इसका रीजन है कुछ, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बट मोस्टली मैं आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कृपया मेरे साथ बने रहें एंड वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ये देखिए कि ये लिक्विड फंड है जो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। दिस म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मैच्योरिटी नो लॉन्गर देन 91 डेज। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ज़्यादातर किसमें निवेश करते हैं, वो ऐसे बॉन्ड्स को परचेज करते हैं एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को जो कि 91 डेज से कम की मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है, एंड फ्रेंड्स जो एक चीज़ और मैं भूल गया, अगर ये जो रेड कलर दिख रहा है, अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं तो मैंने इनके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना रखी है अपनी, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं उसको, काफ़ी सारी वीडियो हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप किस तरीके से लिक्विड फंड में भी बेस्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो पहली पॉइंट ये बताया है, दीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विथ मैच्योरिटी नो लॉन्गर देन 91 डेज, जिसकी नो लॉन्गर देन 91 डेज की मैच्योरिटी होती है उसी में निवेश करते हैं ये म्यूचुअल फंड। अगर आप लिक्विड फंड में आते हैं तो वो सारे ऐसे जो है फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि 91 दिन के अंदर अंदर उसको पैसा और प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ दोनों वापस मिल जाता है। डेट कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट उस कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे क्या होता है, आपका जो है अमाउंट किसी को लोन देने के लिए काम आ रहा है एंड लोन भी हम ऐसे लोगों को देते हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम पैसा लगाते हैं जहाँ पे 91 डेज में पैसा वापस मिल जाता है इंटरेस्ट के साथ। तो इसीलिए इसमें बहुत ही कम रिस्क कम जाता है। सुटेबल फॉर किन के लिए सुटेबल हो सकता है फ्रेंड्स, किन इन्वेस्टर्स के लिए, किन निवेश करने वाले भाई एंड बहनों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, उनके लिए हो सकता है। इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म एंड आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू बैंक अकाउंट डिपॉजिट, जैसा कि इसमें इस लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि ये निवेश करने ये उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो कि अल्टरनेटिव बैंक से देख रहे हैं, बैंक से अलग एक ऐसा फंड हो जिससे उनको हर डे कुछ ना कुछ अपने जो है फंड पे कुछ चेंजेस देखना पड़े, कुछ अच्छा चेंजेस देखना पड़े। एंड इसका सबसे अच्छी जो बात है लिक्विड फंड की फ्रेंड्स, आप अपने फर्स्ट डे से ही अपनी अमाउंट पे, अपने प्रिंसिपल पे आप अर्निंग देख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट एवरी डे आपको इंटरेस्ट दिखते हुए मिल जाएगा अपने आपको अपने पोर्टफोलियो पे। ठीक है, अब आप इस पे आए, इसके बाद फिर आपका जो कम रिस्क ही होता है वो लो ड्यूरेशन फंड होता है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर लर्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है फ्रेंड्स, ये होता है कि इसके बाद सेम कम होता है रिस्की। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके की म्यूचुअल फंड है जो कि बनाए गए हैं कि आपको है जो हेल्पफुल रहे इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करने के लिए, एंड इससे रिलेटेड सभी पे मैंने वीडियो बना रखी है जो जिसका आप फायदा उठा सकते हैं।
क्या होता है, आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करने आते हैं तो क्या होता है, आपको इस डाउन ट्रेंड से बचना होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत सॉलिड आपका पैसा गिरता हुआ नजर आएगा। और अगर आप डायरेक्टली उसी वहाँ पे आ गए तो फ्रेंड्स आप बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने को आपको इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। तो इसके लिए इमोशन कंट्रोल करने के लिए आपको धीरे धीरे आपको अपनी लर्निंग बनानी पड़ेगी, और जितनी जल्दी आपकी कम एज है उतनी जल्दी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी नॉलेज अच्छी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको फ्रेंड्स आई वुड टेल यू कि आपको हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में क्या होता है, यहाँ पे आपका डेब्ट में भी पैसा लगता है और इक्विटी में भी लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें और डेट और हाइब्रिड में क्या फर्क है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा फंड है कि डेट में 100% मोस्टली ऑलमोस्ट पैसे जो है डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट होते हैं, और हाइब्रिड में होता है फ्रेंड्स, इक्विटी में भी होता है और डेट फंड दोनों की कैटेगरी में होता है। और इस म्यूचुअल फंड्स को काफी सेफ माना जाता है एज कंपेरिजन टू लिक्विड फंड एंड हाइब्रिड फंड, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताया हुआ है ये पढ़ सकते हैं आप, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। चलिए मैंने इसमें कोई सिलेक्ट नहीं कर रखा, पहले ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कंजर्वेटिव फंड को सिलेक्ट किया है, माफ कीजिएगा वो थोड़ा घूम रहा है तो मैं इधर आ गया, ठीक है। आई होप ये बंद हो जाए भाई, जल्दी ओपन हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर बॉदरिंग यू गाइस, ओके, कैन प्लीज बी ऑनलाइन विथ मी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बता रहा था कि आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, एंड हाइब्रिड फंड में आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है फ्लक्चुएशन एज कंपेरिजन टू आपको लिक्विड फंड यहाँ पे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी फंड में भी लगे हैं और डेट फंड दोनों में भी लगे हैं। और फ्रेंड्स डेट कैटेगरी में भी कंजर्वेटिव फंड जो होता है सबसे लेस वॉलेटाइल होता है एज कंपेरिजन टू अदर कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड। तो फ्रेंड्स आप इसको सही तरीके से चूज कर सकते हैं, एंड इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो में बता रखा है कि आप कैसे अपने लिए एक अच्छा सा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो मेरी वीडियो को प्लीज एक्सप्लोर करें, ठीक है। देन इसमें से भी अगर कंजर्वेटिव आप समझ गए, देन आप ये समझ सकते हैं कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या होता है। तो इन सब फिर मल्टी एसेट एलोकेशन, इन सारी कैटेगरी पे मेरे पास मैं आपको जरूर फंड वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप प्लीज वहां से देखें। और मान लीजिए कि आपने यहाँ से अपने आप को पूरा देख लिया फ्रेंड, हाइब्रिड से भी समझ में आ गया, देन आप क्या है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अब आप इधर से शुरू कर सकते हैं इक्विटी में। इक्विटी में डायरेक्ट पहले मत जाइए क्योंकि इक्विटी बहुत रिस्की होता है, तो इक्विटी फंड में भी आप जा करके स्मॉल कैप से शुरू कर सकते हैं, VLS वर्सेस फंड एंड मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप स्मॉल कैप फंड, सारे फंड को समझिए फ्रेंड्स और फिर इन्वेस्ट कीजिए, इन सभी पे मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। इसमें मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि लार्ज कैप फंड क्या होता है, कम वॉलेटाइल होता है, देन उसके बाद मिड कैप होता है वो कम वॉलेटाइल होता है, और उसके सबसे कम सॉरी लार्ज कैप सबसे कम होता है, देन उसके बाद सेकंड में मिड कैप आ जाता है, और उसके बाद स्मॉल कैप फंड आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आराम से जाएं एंड इन चीज़ों को लर्न करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को जर्नी को शुरू कीजिए। और एक हाँ, और ये आपको जरूर इसमें दिखने को मिलेगा, जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है आपको सेम टाइम पे आपको जो रेट ऑफ रिटर्न भी मिलते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपको ज़्यादा अच्छा बनते हुए मिल जाएगा, आप कहीं से भी ये खुद को वैलिडेट कर सकते हैं ये डिटेल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर इन चीज ये जो आपको फियर है उसके लिए तैयार रहना होगा कि देखिए जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मार्केट है जो 18,599 अराउंड 600 पे चला गया था, 18,600, और आज की डेट में ये देखिए फ्रेंड्स ये क्लोज कहाँ हुआ है, ये क्लोज हुआ है 15,360 में। इज दिस नॉट अ शॉकिंग रिस्क फ्रेंड्स? तो ओवर हियर यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ रिस्क, बट आपको रिस्क कंट्रोल करने की लर्निंग लेनी चाहिए एंड रिस्क को मिनिमाइज करने की टेक्निक सीखनी चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आपको इसका मजा लेना है, फॉर एग्जांपल ये जो है सीढ़ी ऊपर आप देख सकते हैं ये काफी लंबे टाइम में ऊपर ही बना है, अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो करीब पहले अपनी लर्निंग को बढ़ाएं, और अगर आपकी लर्निंग कर्व होगी ऊपर होगी अच्छी होगी, देन डेफिनेटली आपकी अर्निंग कर्व को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा एंड आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।